अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में खुश आमदीद। और नाज़रीन, आज एक और दिन आपके साथ हमारा गुजरेगा और अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह। हमेशा सोच अच्छी रखनी चाहिए। और कल मुझे बहुत सी मेरी दोस्तें मिली थी, कल मैं शॉपिंग के लिए गई थी, तो वहां पर अक्सर आप मुझे कोई ना कोई दोस्तें मिलती रहती हैं, मेरी प्यारी सी बहनें मिलती रहती हैं, तो मुझसे पूछ रही, बहुत सारे सवाल खड़े खड़े अक्सर हो जाते हैं ना, तो कहती जी आप इतना पतली कैसे हैं, आप इतना वेट कंट्रोल कैसे करती हैं। तो मेरा एक ही जवाब होता है उनके साथ कि आप मेरा शो देखें, आपको पता चल जाएगा कि वेट कंट्रोल किस तरह होता है और वेट पे आपने जो है कंट्रोल के अलावा आपने अपनी डाइट पे कैसे कंट्रोल करना है। और बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको बताते रहती हैं अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, अपने आपकी अपनी पर्सनैलिटी कैसे अच्छी बनानी है। तो आप ये सब जानेंगे हमारे इसी शो से, सलाम पाकिस्तान से। तो मैं उनको सिर्फ यही छोटी सी बात कहती हूँ, मैं कहती हूँ इतनी सारी टिप्स होती हैं, अब मैं आपको एक 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 करके कितनी टिप्स दूँ। देखिए, कभी डॉक्टर आयशा आई होती हैं, कभी हम जो है अपनी एक फरियाल को बुलाते हैं जो योगा आपको बताती हैं, योगा से किस तरह कंट्रोल होता है, फिर डॉक्टर बिल्कीस होती हैं, वैसे खुर्रम होते हैं, और बहुत सारा आपको इमरान साहब होते हैं, डॉक्टर इमरान होते हैं, जो आपको माइंड के हवाले से आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें बताते हैं जिससे आप अपने माइंड के जरिए अपनी पर्सनैलिटी को आप अच्छा बना सकते हैं और जो चाहे जिंदगी में आप वो अच्छी चीज को अपना सकते हैं। ठीक है, अच्छी चीज का अपनाना भी जरूरी है। हम हमेशा कहते हैं कि हर चीज को हासिल नहीं करना चाहिए, अच्छी चीजों को हासिल करना चाहिए। अल्लाह ताला से हमेशा अच्छी चीज की दुआ करनी चाहिए, ये नहीं आप दुआ करेंगे बस मुझे ये चाहिए, बस 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 मैंने जिद कर लिया, बस मुझे तो ये चीज चाहिए चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ से अपने एक्सपीरियंसेस करती हूँ कि कितनी दुआएं मैंने भी ऐसी मांगी होंगी, शायद कबूल नहीं हुई होंगी, लेकिन अब मुझे आके एहसास होता है, मैंने कहा अल्लाह ताला जो जानता हमें है ना, वो हम खुद नहीं जान सकते हैं, जिस तरह वो अच्छे तरीके से हमें समझता है अल्लाह ताला, हम खुद इंसान जो है ना वो अपने लिए कभी कभी शर्म मांगने लग जाता है और हमेशा जो है ना अपने लिए सोचता है कि मुझे बस ये चाहिए, अपनी जिद पे अड़ जाता है। तो ऐसी जिदें नहीं करनी चाहिए, मांगे जरूर, लेकिन जिसमें आपकी भलाई होगी अल्लाह ताला आपको वही चीज देगा, और हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर हम अपनी लाइफ में कंटिन्यू कर लें, तो आप ये देखें कि जो हम परेशान होते हैं कि ये चीज़ नहीं वो नहीं हो रहा, तो आप ये देखें कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। एक चीज़ ये, सबसे पहले दुरूद शरीफ का बहुत ज़्यादा विद रखें, दूसरा इस्तग़फार बहुत करें, तीसरा शुक्र बहुत अदा किया करें। आप ये देखें, ये तीन चीज़ें रोज़ाना आप करने लगेंगे ना, आपके बहुत सारी हद तक आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी, और फिर आप कहेंगे हाँ नाज़िया ने तो कहा था, सही बात वाकई है। और ये चीज आप जब करेंगे फिर आप मुझे बताएंगे भी, और आप देखिएगा लाइफ बड़ी सेटल अच्छी और हंसी खुशी वाली गुजरेगी। तो खैर, यहीं पर हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं, आपने कहीं नहीं जाना। सलाम पाकिस्तान। खुश आमदी, सलाम पाकिस्तान में। और नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको जो है आज मुलाकात करवाऊंगी, हमारे एक हमारे साथ डॉक्टर मौजूद है, लेकिन ये कि आपके सवालात भी होने चाहिए साथ साथ, और दूसरा ये कि जो कुछ ऐसे सवाल जो पूरे हफ्ते में पर बहुत ज्यादा कंपाइल हो गए, जमा हो गए, उनको मैं चाहती हूँ कि वो जरूर मैं डॉक्टर साहब से करूं। तो आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साजिद, जो होम्यो डॉक्टर हैं, इनसे हम बात करेंगे और आपके भी सवालात का इंतजार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। मैं कह रहा हूँ मेरे पास बहुत सारे सवाल जमा हो गए, तो मैं सबसे ज्यादा, क्योंकि आजकल सर्दी है, लोगों को सबसे शिकायत है बाल गिरने की, ड्राई होने की, तो सबसे ज्यादा जो सवाल है ना पूरे हफ्ते, वो बाल गिरने की आवाज जो है ना, वो आवाज है बाल गिरने के हवाले से। बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ जी नाज़िया, बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमारे क्लिनिक में भी बहुत सारे पेशेंट इन दिनों जो आ रहे हैं, हर किसी को ये शिकायत कि उनके बाल बहुत गिर रहे हैं और गुच्छों में गिर रहे हैं। हाँ। देखें, बालों की गिरने की वजूहत होती हैं कि अक्सर लोगों का पेट खराब रहता है, तो वो पेट पे तवज्जो नहीं देते हैं, वो बालों के लिए ऑयल या दूसरी चीजें इस्तेमाल करते हैं, कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करने लगते हैं। पेट की खराबी एक वजह होती है, ज्यादा टेंशन एंड डिप्रेशन की वजह से भी बाल गिरते हैं, या पानी सही नहीं है। हाँ हाँ। पानी अगर खा रहा है तो उसकी वजह से भी बाल गिरते हैं। अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि पानी खा रहा है, क्योंकि अक्सर औकात इवन हमारे घर पे भी कभी कभी पानी जो है ना वो मिट्टी वाला आने लग जाता है। जी जी, तो अब देखें, अगर ऐसा सबको पता होता है कि पानी किसके घर में मीठा पानी या खारा पानी, तो आखिर में जब वो वॉश कर ले बालों को, आखिर में मीठे पानी का एक वो डाल दिया करे। सेकंड ये, हाँ जी, सेकंड ये कि अपने पेट का ख्याल रखे, मैदे का ख्याल रखे,
वक्त पे सोएं, वक्त पे खाना खाएं, तो इससे भी बहुत बालों में बड़ा फर्क पड़ता है। लोग कहते हैं वक्त पे खाना खाएं, ये वक्त पे खाना जो होता है ये टाइमिंग्स कौन से होते हैं? देखें हमारे यहाँ पे तो कराची में टाइमिंग्स इतने लेट शुरू होते हैं। तो देखें नाजिया बहुत सारी खराबियां पैदा होती है, स्पेशली खवातीन के साथ बहुत ज्यादा हार्मोन के साथ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम लोग अगर देखें हम लंच में 2 बजे करना है तो हम 5 बजे कर लेते हैं। अच्छा। हमें सुबह जल्दी उठना है तो हम 12 बजे उठ जाते हैं। सही है। जहाँ हमें लंच करना है वहाँ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। जल्दी उठने का तो रिवाज है ही नहीं। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन होना चाहिए, होना चाहिए, चाहिए। एक सेहतमंद इंसान के लिए सब चीजें होनी चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, वॉक होनी चाहिए। मतलब देखें अब दूसरा ये होता है कि अक्सर लड़के और लड़कियां रात बहुत देर लेट नाइट तक जागती हैं। एग्जैक्टली सही ना, तो वो फेसबुक पे, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, वो पैकेजेस पे, तो फिर उनकी वजह से उनकी बहुत सारी, इवन जब भी आप मोटापे का इंट्रो कर रही थी कि मोटापे एक वजह है, ये भी एक वजह है, जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, प्रॉपर हम गिजा नहीं लेते, प्रॉपर अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते, फल फ्रूट का इस्तेमाल नहीं करते, दूध नहीं पीते, तो ये सारी चीजें जाके कोई ना कोई वो बन जाती। और सेकंड ये कि बालों की वजह गिरने की खून की कमी, खून की कमी भी होती है। अच्छा सही है, इस पर हम बात करते हैं, लेकिन अभी हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नाजिया भाजी, कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक। फायजा आप कैसे हो? ठीक ठाक जी। और जी जी फायजा, आपसे बात करनी थी, वो क्या नाम है, डॉक्टर साहब से पूछना था कि मेरे बाल भी बहुत गिरे सही और है? मेरे सर में खुश्की भी बहुत है और मेरे हल्के भी बहुत है। अच्छा डॉक्टर साहब कुछ सवाल करें। हल्के भी बहुत है? जी जी। अच्छा आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहता है? नहीं नहीं बिल्कुल ही नहीं रहती, नींद वैसे ही हो जाते हैं हल्के। अच्छा नींद पूरी होती है? हाँ हाँ नींद भी पूरी होती है। चलें जी आपको बता देते हैं। अच्छा नाजिया भाई से बात करनी है? हाँ हाँ बात कर रही हूँ, बात कर रही हूँ फैजा। नाजिया भाई आप मेरे भाई के ऑफिस में भी आती हैं? भाई का ऑफिस कहाँ पर है, कौन है मैम? हेलो मुझे बता, पूछने देते कोई बात नहीं ना। कौन थे, क्या है, मतलब हो सकता है उनकी कोई शॉप हो या उनसे कोई मैं कार्ड्स बनवाती हूँ या कुछ ऐसा चीज हो सकती है, कोई भी हो सकता है, कपड़े की शॉप हो, कोई कपड़े की शॉप हो। एग्जैक्टली। अच्छा जी, हाँ जी, देखें ना जी इनके साथ प्रॉब्लम दो हैं, एक तो डार्क सर्किल है, इसकी भी वजह नींद, अगर नींद पूरी नींद अगर नहीं ले तो डार्क सर्किल बनना शुरू हो जाते हैं, या फिर कॉन्स्टिपेशन या फिर गजा की कमी। अच्छा गजा की कमी जो है जैसे आपने कहा जंक फूड वगैरह है, जी जी जी, इससे भी मतलब ये है कि अफकोर्स जी बिल्कुल, अगर हम प्रॉपर जो नेचर हम अपनी गजा है वो हम नहीं लेंगे तो ये सब चीजें देखें, ये तो जबान का एक टेस्ट है। सही है, ठीक है ना, मुंह को अच्छा लगता है, बाकी पिज्जा खा लिए, बर्गर खा लिए, देखें आप जो खाते हैं, एक तो मोटापा सबसे ज्यादा, ठीक है ना, मोटापे का वो ज्यादा होता है, सेकंड ये कि कोई हमें गजाएत नहीं मिलती जिससे हमारा स्किन अच्छा रहे, बाल हमारे अच्छे रहे, सेकंड ये कि उनके बाल बहुत गिरते हैं और बालों गिरने के साथ खुश्की भी बहुत है, खुश्की वो अच्छा जी, सही ठीक है तो वो अपनी खुश्की का इलाज भी इंटरनली भी अगर वो चाहें तो किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को भी दिखा दे, सही ठीक है, ठीक है ना, वरना होम्योपैथिक एक रेमेडी बड़ी अच्छी है बालों के हवाले से और बहुत मशहूर है, हर एक को मेरे ख्याल पता ही है। आर्निका क्यू लेना है, आर्निका क्यू को किसी ऑयल में मिलाना है, ठीक है ना, ऑयल में मिला किसी भी ऑयल, बेस ऑयल कोई भी हो उसके अंदर मिला के, जैसे अगर 100 ml की बोतल है ऑयल की तो उसमें 5 ml आर्निका क्यू मिलाना है, ठीक है, और उसको रोजाना बालों में अच्छी तरह लगाना, इससे बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है, खुश्की भी कम हो जाती है और बालों का गिरना भी कम हो जाता है। ओके, ये इस्तेमाल करें और रोजाना इस्तेमाल करना। हाँ जी ऑफकोर्स बिल्कुल रोजाना, और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। और आर्निका होम्योपैथिक की बड़ी अच्छी दवा है, वो चोट की भी अच्छी दवा है, दर्दों की भी अच्छी दवा है, अगर किसी को पेन हो या सर में जिनको दर्द रहता हो तो वो लोग भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको भी किसी भी तेल में डाल, किसी भी, अगर चोट भी लग जाए, अगर चोट लग जाए, मोच आ जाए तो उसको ऑयल को वहाँ मसाज भी कर सकते हैं। तो ये ब्रेन टॉनिक भी है और बालों की भी बड़ी अच्छी दवा है। बिल्कुल सही। अच्छा आपने बताया था कि खून बनाने की जो, क्योंकि अक्सर लोग ये होते हैं कि वो खाते पीते बहुत अच्छा फिर भी कहते जी हमारे हम खा पी तो अच्छा रहे हैं जी जी, लेकिन बाल गिर रहे हैं जी जी। हाँ खून बनाने के लिए देखें नाजिया इस वक्त इस लोगों के लिए भी नुकसानदेह है, जिनके साथ ये प्रॉब्लम है उनको हमेशा दर्द रहता है, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, सुस्त, बाल उनके खराब, स्किन खराब, तो हम उसको एक बहुत बड़ी बीमारी समझते हैं, हमारी पेथी जो है, तो हमारे पास उसका प्रॉपर इलाज है, तो उसके लिए प्रॉपर इलाज उसका कराएं। अच्छा एक और सवाल आया है कि चेहरे पर बहुत सारे दाने हैं, ब्लैक हेड है और निशान भी है, इनको कैसे खत्म किया जाए? इनका इलाज करें तो बिल्कुल खत्म हो सकता है। देखें एक तो अगर इंटरनल कोई प्रॉब्लम, उनको कॉन्स्टिपेशन का ज्यादा रहता है, जिन लोगों के साथ कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है उनके चेहरे पर दाने या स्किन का कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता ही है, तो अगर ऐसा है तो वो उसके लिए सुबह निहार मुंह, जैतून का तेल,
एक चम्मच रोज एम्प्टी स्टमक पी लिया करें। अच्छा, अगर ये प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज्यादा होता है, मैं अक्सर देखता हूँ कि उसकी वजह से ज्यादा होता है, फिर कोई अगर फीमेल है तो हार्मोन्स का प्रॉब्लम होता है, सही है, ठीक है, थायराइड का भी होता है, तो प्रॉपर अपनी टेस्ट वगैरह करवा लें और प्रॉपर एक जो उसकी जो कॉज क्या है, पहले रूट कॉज पे जाएं। हाँ जी, उसके बाद फिर दवा ले लें, फिर दवा लें उसकी, कि मसला क्या है। हमारे साथ कॉल कॉलर भी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, कॉलर कुछ बहुत जल्दी थी, चली गई है वो। और एक और सवाल भी यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इन्होंने पूछा है कि इनको भी मैदे का मसला है, अब इसके लिए क्या किया जाए। मैदे का मसला, मैदे में जलन वगैरह ही होगी, जलन मैदे के ज्यादातर जो मसले आ रहे हैं। हाँ जी जी, देखिये नाजिया, मैदे के लिए कार्बोवेज होम्योपैथिक दवा है, कार्बोवेज, ठीक है, मेरे ख्याल हर घर में ये होनी चाहिए, वैसे भी होनी चाहिए। कुछ मेडिसिन हम मैं अक्सर बताते रहता हूँ, उनको हर घर में, हर घर की जरूरत है, ठीक है, ठीक है ना, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर सीने में जलन बहुत ज्यादा है, खाना खा के पेट फूल जाता है, तो कार्बोवेज 30 के 5 कतरे खाने के बाद ले लिया करें। तो ये कार्बोवेज 30 इस्तेमाल कर सकते। अच्छा, तो ये कि उससे ये कि जलन और मैदे की, मैदे में जलन, फारापन सा हो जाता है, पेट फूल जाता है, उनसे भी बड़ी बेचैनी हो जाती है। बाद लोग तो हार्ट समझ के कार्डियो तक चले जाते हैं, सही बात है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एकदम से पेन शुरू हो जाता है, तो कार्बोवेज बड़ी अच्छी दवा है। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सारा बात कर रही हूँ लाहौर से, मुझे डॉक्टर से बात करनी है। जी, सवाल कीजिएगा बिल्कुल। वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे आपसे ये पूछना है कि एक तो मेरा वेट ज्यादा और दूसरा ये कि मेरी स्किन पे बहुत ज्यादा दाने हैं और उनके बहुत ज्यादा जो है शिकार बने हुए, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कोई भी ऐसी चीज ना खाऊं, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा बनते हैं और उनमें मुझे इचिंग होती है, जो है दाने बने उनमें मुझे इचिंग होती है और मेरा वेट भी बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा सारा, आपने डॉक्टर को दिखाया, अपने टेस्ट करवाए आपने? जी मैंने डॉक्टर को दिखाया। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि मेरे फेस का जो कलर है वो बहुत ज्यादा पीला हो रहा है। अब मैंने डॉक्टर को बताया, अपने टेस्ट भी करवाए, वो कहते सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है तो कोई आपको पीरियड्स प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब सही है। अच्छा जी, और मेरा फेस का जो कलर है वो भी अच्छा, जरूर बताइएगा, बहुत ज्यादा पीला हो रहा है। चले सही है, ठीक है, आप जो ट्रीटमेंट बताएं एक दफा, आप जो है ना वो टेस्ट वगैरह। हाँ जी, टेस्ट अपना एलएफटी भी कराएं। हम ब्रेक अभी ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इनका जवाब हम कम्प्लीटली देंगे। हमारे साथ ही रहे, सलाम पाकिस्तान। शांति सलाम पाकिस्तान में, और हमारे साथ डॉक्टर साजिद सब मौजूद हैं। बल्कि ब्रेक से पहले एक कॉलर ने कॉल किया था, जी, उनका अच्छा, सवाल है, उनका ये है कि प्रॉब्लम उनका बकौल उनके के डॉक्टरों को उन्होंने दिखाया सब सही है और इनका फेस का कलर बहुत पीला हो रहा है। अच्छा, तो अपने लीवर का एक टेस्ट कर ले, जिगर का टेस्ट करें, क्या कोई जॉइंटिस तो नहीं है, कोई लीवर प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से उनको ऐसा ये प्रॉब्लम है। एक नी है और एक नी में उसके साथ उसमें इचिंग भी रहती है, सही, ठीक है ना, और वेट भी बहुत ज्यादा है। देखिए, खून की कमी भी एक वजह वेट ज्यादा होने की, ठीक है ना, तो डॉक्टर को मेरे ख्याल प्रॉपर अभी इन दिनों चेकअप करवा ले, क्योंकि चेहरे का कलर भी उनका पीला पड़ रहा है, तो मे भी हो सकता है उनका होमोग्लोबिन बहुत कम हो गया होगा जिसकी वजह से पीला हट आ रही चेहरे पे। अच्छा, ये देखिए सिम्टम्स कितने सारे हो जाते हैं ना, तो देखिए उन्होंने उसके लिए प्रॉपर ये है कि इलाज करे तो ज्यादा बेहतर है। जब तक होम्योपैथिक में केलेंडुला को, जैसे अभी हमने इससे पहले स्किन की बड़ी अच्छी दवा है, एक्नी की, एक्नी स्कार्स की बड़ी अच्छी दवा है, उसको रोजाना थोड़े पानी में 5 कतरे डाल के, मतलब 5-7-10 कतरे पानी की और 5 कतरे केलेंडुला क्यू के, वो रोजाना टैपिंग कर लिया करें, टैपिंग कर लिया करें और बाकायदा अपने डॉक्टर को दिखा के अपना प्रॉपर इलाज करवा लें। अच्छा सही, हमारे पास एक और मैसेज भी है, और वो ये कि उनका कि मेरे बच्चे को नजला रहता है, वो 8 साल का है, बच्चे को नजला रहता है, 8 साल का बच्चा है। थाइम टी रोजाना बना के दे दिया करे, थाइम बहुत अच्छी है। अच्छा, हर जगह से मिल जाता है, मेरे ख्याल अच्छे उससे काफी फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, थाइम बहुत अच्छी वो है। होम्योपैथिक में थाइमस के नाम से इसकी दवा भी आती है, जो खांसी, नजला, खांसी के लिए, तो थाइम टी बना के दे दिया बच्चे को दे दिया। अच्छा ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ये हमारे साथ जो कॉलर है उनका सवाल। हेलो जी। जी सवाल, मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है कि आया कोई होम्योपैथिक में ऐसी मेडिसिन या कोई ऐसी क्रीम लोशन है जिससे डलनेस स्किन की खत्म हो सके?
हाँ जी बिल्कुल है, आप अपने डॉक्टर को दिखा दे, बिल्कुल है। अभी वैसे बताया भी काफी, आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज ऑन एयर जवाब ऑन एयर बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। वैसे भी काफी ज्यादा डल स्किन के लिए, बालों के लिए काफी ज्यादा बता दिया है, तो मैं हमें वो थोड़ा बहुत जो है वो आप दोबारा से शुरू रिपीट पे देखिएगा तो पता चल जाएगा। अच्छा, फेस पर ब्राउन तिल है, इसका क्या किया जाए? ब्राउन तिल है, थूजा दवा है नाजिया, बहुत अच्छी दवा है तिलों की। अच्छा, तिलों के लिए थूजा बहुत मशहूर है, मेरे ख्याल हर एक को ये पता भी होता है कि थूजा लोग होम्योपैथी की बड़ी मशहूर दवा है। हाँ। थूजा का इस्तेमाल करें, उसको थोड़ा सा जैसे घर का कुकिंग ऑयल होता है बेस ऑयल, थोड़ा सा ऑयल ले ले, पांच दस सात कतरे उसमें मिला के रोजाना तिलों पे लगा ले। अच्छा, उसको पी भी सकते हैं, लेकिन पिए डॉक्टर के उसकी हिदायत के मुताबिक, एक्सटर्नली यूज वो कर सकते हैं किसी ऑयल में मिला ऐसे करना है। ठीक है, सही है। हमारे साथ एक और, उस ऑयल में खुशबू ना हो। अच्छा, उस ऑयल में खुशबू नहीं हो। ठीक है, सही है। और हमारे साथ कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, ये आपका सवाल? जी, मेरा सवाल ये है कि मैं 40 क्लास को, मेरे बाल आजकल बहुत खींचते हैं। अच्छा जी, सही है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम, इंटरनल कोई प्रॉब्लम है आपको, मैदे का कोई मसला है या नींद वगैरह पूरी होती है? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल बाल बहुत गिर रहे थे। हाँ, बाल बहुत गिर रहे हैं, और यहाँ पर भी मेरे ख्याल में एक सवाल है कि मेरे बाल लंबे नहीं होते हैं, तो उनको लंबे कैसे किया जाए और गिर भी नहीं। बालों को लंबा करना है तो फिर अपनी प्रॉपर गिजा ले ले, अपने खाने पीने का ख्याल रखें सही ना, ताकि एक्सरसाइज कर लिया करे रोजाना सर का मसाज। लोग ये समझते हैं एक्सरसाइज जो है ना सिर्फ पतला करता है या दुबला करता है, एक्सरसाइज से कि खून की रवानगी इतनी अच्छी हो जाती है, सर्कुलेशन जब तक बालों को सही पहुंचेगा तो बाल अच्छे हो जाएंगे, स्किन अच्छी हो जाएगी सही ना, तो ये एक्सरसाइज लिए जरूरी है। और फिर साथ में खुराक का भी ख्याल रखें। आर्निका हमने बताया था शुरू में, आर्निका बालों की ग्रोथ के लिए, बालों जिनके बाल गिरते हैं उनकी बड़ी अच्छी दवा है, किसी ऑयल में मिला के रोजाना उसको रोजाना अच्छी तरह उसका मसाज कर लिया करें, तो बड़ी अच्छी दवा है आर्निका बालों की ग्रोथ के लिए। अच्छा जी, और यहाँ पे एक और सवाल भी कि मेरा फेस की कलर फेयर करने के लिए, तो रंग कोरा करने के लिए बड़ा टेंशन है। आप जैसा वो देखकर ना सोच रहे कि रंग गोरे, ये कुदरती गोरा रंग है, तो इस पे भी हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, देखें रंग गोरा। अभी एक कॉलर से बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, सवाल? जी, मेरे डॉक्टर साहब से डार्क सर्कल का पूछना है, मुझे कोई बीमारी भी नहीं है लेकिन डार्क सर्कल काफी अच्छे से है जो खत्म ही नहीं होते हैं। अच्छा, ये बताओ रात में जल्दी सोती हो? जी, जल्दी सो जाती हूँ, नींद पूरी करती हूँ। अच्छा, नींद पूरी होती है, कोई इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, खून की कमी नहीं है, नहीं, सब कुछ सही है। बचपन से है, फैमिली इनहेरिटेंस तो नहीं है? नहीं नहीं, फैमिली में नहीं है। अच्छा, चलिए सही, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसके लिए ये कोई वजह होती है और भी? अगर कोई वजह, हाँ होती है बिल्कुल, नाजिया की वजूहत होती है, गिजा सबसे अच्छी गिजा अगर प्रॉपर नहीं होता है जिसकी वजह से बीए पढ़ना शुरू हो जाती है, ज्यादा टेंशन डिप्रेशन से भी, अच्छा ये बढ़ जाता है, टेंशन से भी होती है, कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों के साथ ज्यादा रहती है उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है, या जो लोग अपनी नींद पूरी नहीं करते हैं उनके साथ तो ज्यादा ही प्रॉब्लम है, ज्यादा ही होती है। तो कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होती है जिसको हम क्लिक नहीं कर पा रहे कि क्या वजह है, ठीक है ना, कोई इसकी वजह जरूर होती है। बाकी आपने फेयरनेस के हवाले से, फेयरनेस के हवाले से, जी गोरा करना है रंग, रंग गोरा करना है तो देखें अभी इन दिनों अनार सबसे अच्छा है, अनार कलर को निखारता है। अच्छा, जितना खाएं? हाँ, अनार खाएं, जूस निकाल के उसका अनार का पी लिया करें, अनार बहुत अच्छा है। जब अंगूर का सीजन है, अंगूर बहुत अच्छा है कलर निखारने के लिए। पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, स्पाइसी चीजों से दूर रहें, जो भी मौसम का फल फ्रूट है उसका इस्तेमाल बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा करें, और धूप से बचें, हमारी धूप बहुत खराब है, बहुत तेज है, जब भी धूप में जाएं सन ब्लॉक का इस्तेमाल कर लिया करें। ठीक है, सही है। हमारे साथ एक और कॉलर भी उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, हेना बात कर रही हूँ, इस्लामाबाद से। जी जी, हेना जी, आपका सवाल? जी, बेसिक मुझे प्रॉब्लम ये है कि मुझे अल्सर, पहले मुझे एसिडिटी थी, देन इट टर्न्स टू अल्सर, सही, उसके बाद मेरा अब जो स्टमक है, पूरी बेली जो है वो मेरी स्वेल कर जाती है, ठीक है, और उसके साथ मुझे लिकोरिया का भी इश्यू है, साथ में डार्क सर्कल्स हैं, मुझे लगता है मेरा एचपी भी बहुत लो है, सो आई नीड योर एडवाइस। अच्छा ठीक है, सही, चले ठीक है, आपको ऑनर बता दें, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और ये जो अल्सर वाला मसला, ये सारी बीमारियों का एक ही जो है ना, एक ही वो है सही बात है, हल के अल्सर पेशेंट को परहेज ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। हाँ। स्पाइसी चीजों से, गाय के गोश्त से, बिरयानी वगैरह चटपटी चीजों से तो दूर रहना चाहिए। होम्योपैथिक में बड़ी एक अच्छी इसकी दवा है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम मेदे के मुंह पे दर्द और स्वेलिंग है, अल्सर है,
तो आर्जेंटम नाइट्रिकम हर खाने के बाद 5-5 उसके ड्रॉप ले लिया करें। ठीक है। और होम्योपैथिक में इसका पूरा क्योर है, अपने अगर किसी करीब डॉक्टर को दिखा दे तो बहुत ज्यादा बेस्ट है। अब तो होम्योपैथिक माशाल्लाह इतनी तरक्की कर चुकी है, हर गली शहर हर जगह डॉक्टर मौजूद है, तो कंसल्ट डॉक्टर कर ले तो बहुत बेस्ट है। तो ये कि टेंशन नहीं होगी, और ये परहेज जो परहेज बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ जी, कि स्पेशली जो लोग मिर्चों का जो इस्तेमाल होता है ना, उसको तो बिल्कुल अपनी लाइफ से कहते हैं बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। और यहाँ पर जो है बहुत सारे और भी सवाल है, लेकिन मैं एकदम से पढ़ नहीं सकती, तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रही होती हूँ। अच्छा, यहाँ पर अगेन उन्होंने, अच्छा नहीं यार, निका का ही पूछा है कि किस तरह से इस्तेमाल करना है। और अच्छा, सर दर्द के लिए पूछा है कि बहुत ज्यादा सर में दर्द है, इसके लिए क्या किया जाए, और गंजपन भी है उसको भी खत्म करना है। गंजपन हाँ। के लिए तो आर्निका तेल में मिला के रोजाना लगा लिया करें। सर दर्द के लिए अगर देखें, सर दर्द भी एक काफी उसकी वजूहत होती है कि इस वजह से उनको, एक तो देखें चॉकलेट जो लोग ज्यादा खाते हैं उनको हाँ। भी वो जो कॉफी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, ओह माय गॉड क्यों, ये ट्रिक करते हैं, उसमें कैफीन का सोर्स होता है, तो वो कम से कम इस्तेमाल कर लिया करें। सेकेंड, नाक की हड्डी या गोश्त बढ़ जाता है, अच्छा, तो नॉस्ट्रिल उनके बंद हो जाते हैं, उसकी वजह से भी सर में दर्द होता है, तो वो सेंगोनेरिया केन, सेंगोनेरिया केन 30 और जलसीमियम 30 दो मेडिसिन, ठीक है, जलसीमियम 30 में और सेंगोनेरिया केन 30 में इस्तेमाल कर लिया करें। ठीक है, सही, तो सही है क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, सही है, ठीक है। अच्छा, ये एक और सवाल आया कि कलाई में बहुत दर्द है, उसके लिए कुछ बताओ। कलाई में अगर बहुत दर्द है, क्यों दर्द है, देखें अगर हो सकता है चोट भी लग सकती है, चोट की वजह से भी दर्द हो सकता है, अपने कुछ टेस्ट हैं, कैल्शियम हाँ। का टेस्ट, D3 का टेस्ट, RA फैक्टर का टेस्ट वगैरह करवा लें कि क्या वजह है, सिर्फ कलाई में दर्द हो रहा है। अच्छा, सिर्फ कलाई में दर्द हो सकता है, ये कैल्शियम की कमी से हो सकता है, ये हो सकता है कि कैल्शियम की कमी का जो दर्द है वो ऐसा कलाई से फिर वो आ गया। हाँ जी, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यूरिक एसिड की वजह से भी दर्द होता है। बार दफा हम लोग सोते में गलत सो जाते हैं, उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है, तो उसकी तो बहुत सारे। अच्छा जी, अच्छा, एक चेहरे पे बाल बहुत ज्यादा है, इसको कम किस तरह से किया जाए, ये भी सवाल है। चेहरे पे बाल बहुत ज्यादा है तो उसको अपने हार्मोन्स का भाई टेस्ट कर लें, हार्मोन्स की खराबी की वजह से बाल चेहरे पे निकलना शुरू हो जाते हैं, तो उसका तो प्रॉपर इंटरनल इलाज होता है। सही है, ठीक है, अच्छा, यही पर इस तरह बहुत सारे सवाल और आए हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि वो जो ना एकदम से वैसे पढ़े नहीं जाती है, ऐसा ऐसा करके मैं पढ़ रही होती हूँ थोड़े बहुत सवाल। हाँ जी, मैंने कहा एक आध सवाल जो है वो और भी मैं इसमें से निकालूं। फेस पे बहुत ज्यादा अच्छा बाल, ये तो हो गया है, और इन्होंने बोला है अगेन वो मोटापे के लिए पूछा है कि मोटापे को कम किस तरह किया जाए, आफ्टर प्रेगनेंसी उनके ऊपर बहुत ज्यादा मोटापा आ गया। अच्छा, मोटापे को कम, देखें वो एक्सरसाइज वॉक ये तो है ही जरूरी, इतनी गिजा का भी जरूरी है। होम्योपैथिक में फाइटोले का बेरी, सही ना, जिन लोगों का वजन ज्यादा है, फाइटोले का बेरी, ये सिर्फ वेट कम करने की दवा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना, फाइटोले का बेरी को इस्तेमाल करना है, 15-15 उसके ड्रॉप दिन में 3 दफा उसको पीना है, 3-4 महीने पिए तो इंशाल्लाह इससे वेट कम हो जाता है। और एक्सरसाइज जरूरी है, आप ये समझ लें कि छू मंतर होती है। हाँ जी, पता क्या होता है, आजकल खवातीन को ये ना कि किसी की शादी आ रही है, मुझे साड़ी पहननी है, मुझे उसमें अच्छा लगना है, और 15 दिन है, 15 दिन में वेट कम करना, तो ये मैजिक नहीं होता, इट ऑलवेज टेक्स टाइम। हाँ बिल्कुल सही है, हर चीज में एक वक्त होता है, तो अगर बहुत ज्यादा आपका वजन बढ़ा हुआ है तो उसका थोड़ा सा टाइम उसका लगेगा, 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं, और वही परमानेंट होता है वो भी। हाँ, वो जो आप करेंगे जो मैजिक होगा ना, वो फिर फॉर द टाइमिंग के लिए होगा, फिर दोबारा वो गेन हो जाएगा। सही है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साजिद, वक्त का बिल्कुल पता नहीं चला, बहुत जल्दी वक्त गुजर गया, और बहुत सारे सवाल अभी भी रहते थे, इनके बाद आने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इसके साथ ही अगले सेगमेंट में चलते, कहीं ना जाए, हमारे साथ ही रहेगा, सलाम पाकिस्तान। खुश आमदी सलाम पाकिस्तान में, और नाज़रीन आज बहुत अहम सब्जेक्ट लेकर आए हैं, और सब्जेक्ट है जुल्म के हवाले से। अक्सर अनजाने और बेख्याली में भी इंसान जो है जुल्म कर बैठता है, और उसे पता नहीं चलता कि वो किधर किसके साथ जुल्म कर रहा है, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, चाहे वो आपके घर का मुलाजिम हो, चाहे राह में चलते हुए, कहीं पर भी इंसान किसी पर भी जुल्म कर बैठता और उसे पता नहीं चलता। तो आज हम यहां पर बैठ के क्यों ना अपना एहतसाब करें कि एक्चुअली हम जुल्म कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं किसी पर तो कैसे। तो जानना बड़ा जरूरी है कि जुल्म है क्या, और आज से ही अपने आप को
बेहतरी की तरफ भी लाना जरूरी है कि हम ख्याल में या बेख्याली में हम जो है जुल्म ना करें। तो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे रूबी बाजी से, जो रिलीजियस स्कॉलर हैं, आपको बताएंगे। सबसे पहले हम इनसे जुल्म के बारे में भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ लाने का यहाँ पर, ताकि लोगों को जो सब्जेक्ट के हवाले से बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि अपने आप को सबसे पहले इंसान को देखना चाहिए कि हम खुद कहाँ पर खड़े हुए हैं, ताकि अपने अंदर बेहतरी लाएंगे तो ऑटोमेटिकली माशरे में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। हम किसी को ना देखें कि कोई क्या कर रहा है, सबसे पहले अपने अंदर बेहतरी लाने की कोशिश करें। तो रूबी बाजी, आज का हमारा सब्जेक्ट ही है कि जुल्म जाने और अनजाने में हो जाता है और पता नहीं चलता। तो सबसे पहले थोड़ी सी जुल्म की डेफिनेशन बयान करें। जी, जुल्म जो है, आप देखिए कि अरबी में इसकी डेफिनेशन क्या है, वद ओ शई गैर महल्ली, कि किसी चीज को उसकी जगह से हटाकर रख देना, यह जुल्म में आ जाता है। और जुल्म जो है ये अदल का ऑपोजिट है। अदल क्या होता है? हर एक को उसका हक देना, उसमें बैलेंस कायम करना, माहौल को उसका हक देना, एनवायरमेंट उसको पोल्यूट ना करना, फिर इसी तरह जानवरों के साथ अच्छा सलूक करना, ये उसका हक है। और उनको अगर हम कम, किसी के साथ ज्यादती की होगी, किसी को मारा होगा, किसी को गाली दी होगी, तो वो सब के सब, आप यूं समझिए, अगर इमेजिन करें तो कयामत के दिन वो शख्स एक बैठा है और पाइल लगा हुआ है लंबा नेकियों का, और लोग लाइन में खड़े हैं, आते जा रहे हैं, जिसका जिसके ऊपर जुल्म किया था दुनिया में, वो अपना हिस्सा उठा के ले जाता है, और होते होते एक वक्त आता है कि वो शख्स बिल्कुल कंगाल रह जाता है। फिर उसके बाद भी अगर वो पूरा नहीं होगा उनका हक, तो उन लोगों के गुनाह उस शख्स के ऊपर डाल दिए जाएंगे और उसको इसी तरह बढ़ जाएंगे। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है? मैं मिसेस साकिब बोल रही हूँ, बहावल नगर से। जी जी जी, मिसेस साकिब, आपका सवाल आज के टॉपिक के हवाले से आप कुछ पूछेंगी? हाँ जी, मैं यही पूछना चाहूंगी कि ये जो कह रही हैं कि जुल्म अगर माँ से करें या बीवी का ना माने, तो ऐसे जुल्म क्या अगर बीवी की ख्वाहिशात का ना ख्याल रखा जाए माँ के कहने पे, या माँ का ना ख्याल रखा जाए बीवी के कहने में, तो क्या ये भी जुल्म में आता है? अच्छा जी, सही है। आप और कोई सवाल पूछेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और आज का सवाल क्या है? आज का सवाल आज नहीं है, क्योंकि आज बड़ा अहम सब्जेक्ट हम लेकर आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, इनका जो ये सवाल है मिसेस साकिब का, ये बहुत रेलिवेंट है कि अगर माँ के कहने के ऊपर अगर बीवी के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, तो उसमें क्या होगा कि वो शख्स, यानी अगर शौहर कर रहा है ऐसा, तो शौहर भी इन्वॉल्व होगा इस जुल्म में, और माँ भी, यानी सास भी इन्वॉल्व होगी, तो ये भी जुल्म में आ जाता है इसी तरह। और अगर बीवी कुछ ऐसा कर रही है कि वो माँ के हकूक देने से मना कर रही है अपने शौहर को, तो वो भी इस जुल्म में शामिल होगी अपने शौहर के साथ, अगर शौहर उसकी बात मानता है। तो दोनों ही हवाले से हमें देखने की जरूरत है। अब देखिये, जुल्म को अगर हम देखें ना, तो ये बिल्कुल ऐसे कि जैसे एक शख्स का बैंक बैलेंस है, बैंक अकाउंट है, और उसको कहा जाता है कि अगर तुमने फलां जगह इन्वेस्ट किया तो तुम्हारी सारी जिंदगी की जमा पूंजी खत्म हो जाएगी, तो हम कभी भी वहां नहीं इन्वेस्ट करते। इसी तरह अगर एक शख्स को पता हो कि आखिरत में जुल्म करने का नतीजा ये निकलेगा कि वो बिल्कुल मुफलिस कंगाल हो जाएगा, बैंकरप्ट होगा, तो कभी भी वो जुल्म नहीं करेगा। और यही कि जिस तरह आपने बताया कि ये कभी कभार जाने अनजाने हो जाता है, अगर इंसान जानबूझ के जुल्म करे जी, चले वो, तो फिर तो उसकी में हमें पकड़ 100% जी, बिल्कुल। अनजाने में हो जाए तो फिर क्या करें? अनजाने में हो जाए तो उसमें भी आप देखें कि जब एहसास हो जाए इंसान को, तो इंसान माफी मांग ले, अल्लाह से माफी मांग ले, और अगर बंदों का हक है तो उस बंदे से माफी मांगना जरूरी है, वरना अल्लाह ताला माफ नहीं करते। ठीक है, इबादत के हवाले से जुल्म क्या होता है? इबादत के हवाले से आप देखिए कि अल्लाह ताला ने पैदा ही हमें इबादत के लिए किया, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, और इबादत ना करना फिर ये जुल्म में आ जाता है। मसलन आप देखिए कि सबसे पहली चीज नमाज है, नमाज की पूछ होगी, और नमाज की तैयारी तहारत है, वजू है, और उसको अच्छी तरह से अदा करना। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें नमाज मुश्किल नहीं लगती, लेकिन वजू करना मुश्किल लगता है। सही है, ठीक है। और हालांकि आप देखिए कि बाज़ औक़ात लोग जल्दी जल्दी वजू कर रहे होते हैं, तो वो भी नहीं, बहुत इत्मीनान के साथ, ताकि हर चीज को पानी पहुंचे। क्योंकि एक मरतबा सहाबा कराम जल्दी में वजू कर रहे थे और उनकी एड़ियां सूखी रह गई, तो आपने फरमाया वैलुल अक़ाब मिनन्नार, कि एड़ियों के लिए आग का अजाब है। तो अच्छे से वजू करना चाहिए ताकि पूरी तरह से पानी पहुंचे। और अगर कभी ये चीज मुश्किल लगे वजू के लिए जाना, तो एक बहुत खूबसूरत हदीस है, अगर हम उसको जहन में रख लें, कि आपने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें ना बताऊं कि वो चीज के जो तुम्हारे गुनाहों को धोने का जरिया बन जाए और तुम्हारे दर्जात की बुलंदी का जरिया बने,
तो सहाबा कराम के पूछने पर आपने फरमाया कि मुशक्कत के वक्त वुजू करना, मुशक्कत के वक्त कामिल और संवार कर वुजू करना। अब मुशक्कत का वक्त क्या है? मसलन बीमारी है, सर्दी का मौसम, जैसे आजकल सर्दी आ रही है, तो इसमें सुबह फजर के वक्त उठ के जब उठना, खासतौर पर ऐसे इलाके जहां ठंडे होते हैं, तो वहां वजू करना जरा मुश्किल लगता है। तो ऐसे वक्त में जब इंसान ये सोच के वजू करता है कामिल अच्छी तरह से, तो उसके लिए उसके गुनाह भी माफ हो जाते हैं, दर्जात भी बुलंद होते हैं। तो अगर हम सिर्फ ये सोचते हुए सुबह उठे मुश्किल लगे तो हम कहें कि नहीं, मैं अपने गुनाहों को धोने जा रही हूं, तो इस तरह से क्या होगा कि आसानी हो जाएगी, और ज्यादा आसानी हो जाएगी। एक और कॉलर मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नाज़िया कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। मिसेस शाहिद आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। जी अच्छा, आज बड़ा अच्छा टॉपिक आपने रखा हुआ है और मोहतरम साहिबा भी आई हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये बात कर रही थी, पिछले भी खातून का भी एक कॉल आई थी कि सास के माँ के कहने में या बीवी के कहने में, ये तो हमारे चलते ही रहते हैं। मैं आप पे बात करना चाह रही हूँ, जो हम घरों में लड़कियां नौकर रख देते हैं, एक दो फैमिली मेरी ऐसी देखी हुई है, जानने वाले हैं, जो उन्होंने 16-14 साल की बच्ची को रखा हुआ है, वो इतना जुर्म, एक तरह से जुर्म कर दे, काम इतना काम लेते हैं उनसे कि 2-3 हजार रुपए मंथली तो देते हैं, मगर उनकी जिंदगी अजाब की हुई होती है। इस पे जरूर आप बात कीजिएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल हमारे सब्जेक्ट में शामिल है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। इस पे भी हम आएंगे, हमने इसको भी शामिल रखा है, बहुत ज्यादा जरूरी और अहम सवाल है आपका, लेकिन इस पे जरा हम डिटेल से बात करेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा आगे जाकर, तो पहले इबादात के जो है हम उसकी बात कर लेते हैं। इबादात में फिर आप देखिए कि जैसे नमाज का पढ़ना है, और कुरान के स्टार्ट ही में अल्लाह ताला फरमाते हैं मुत्तकीन की क्वालिटीज के ऊपर कि वह युकीमून अस्सला, कि वो नमाज को कायम करते हैं। तो अब इसमें आप देखिए कि नमाज को कायम करने में आता है कि पूरे उसकी शरायत के साथ, जैसे आपकी जगह साफ होनी चाहिए, आपका लिबास साफ होना चाहिए, और ख्वातीन के लिए खास तौर पर सातिर हो लिबास। बाज़ दफा ये होता है कि हम ऐसी नमाज पढ़ रहे होते हैं कि हमारा दुपट्टा बारीक होता है, या हमने जो शलवार पहनी हुई है या हमने पैंट्स पहनी हुई, वो सी थ्रू होती है, तो वो फिर नमाज की शरायत में माने आ जाती है ये चीज। फिर इसी तरह आप देखिए कि अरकान की पाबंदी, जिसमें हम रुकू और सजदा आ जाता है कि बहुत इत्मीनान के साथ और सकून के साथ, क्योंकि अल्लाह के आगे उस वक्त खड़ा है इंसान। लेकिन बाज़ दफा लोग जल्दी जल्दी रुकू कर रहे होते हैं, जल्दी जल्दी सजदा कर रहे होते हैं, और एक हदीस की रूह से हमें मिलता है कि ऐसा करना जो है वो नमाज की चोरी में आता है, और आपने फरमाया बदतरीन चोरी है नमाज की चोरी, तो इससे गुरेज करना चाहिए। फिर कॉन्सेंट्रेशन लेवल, और वो उस वक्त होगा कि जब आपको तर्जुमा भी आएगा नमाज का कि आप क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारी नमाजें क्या होती हैं कि हम पढ़ नमाज रहे होते हैं और सोच कुछ और रहे होते हैं, घर आए कहीं से बाहर से, वो सारा कुछ जो है वो जहन में चल रहा होता है कि आज ये हुआ था, वहां ये हुआ था, या कपड़ों ही को अगर आप बाजार से आते हैं तो टेलर से कमीज कैसे सिलवानी है, कैसे दुपट्टा होगा, रंग का होगा, वो सब चीजें हमारे जहन में होती हैं। हालांकि हदीस में आता है कि आपने फरमाया कि तुम्हारा नमाज में उतना ही हिस्सा है कि जो तुमने समझा, तो इस चीज को जहन में रखते फिर नमाजें कजा करते रहते हैं, कभी दो पढ़ ली, कभी चार पढ़ ली, कभी एक पढ़ ली। तो इसमें भी आप देखिए कि और हम किस लिए कर रहे होते हैं, दुनिया के छोटे छोटे फायदों की खातिर, घर की सफाई हो रही है, किचन की क्लीनिंग हो रही है, अच्छा घड़ी देखते रहते हैं, अच्छा अभी ये खत्म हो जाए तो नमाज अभी खत्म हो जाए। हाँ बिल्कुल, मतलब जो इबादत जो सबसे ज्यादा जरूरी है छोड़कर पहले घर की सफाई जो हो रही होती है। हमारे साथ एक कॉलर, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हमारे साथ कौन मौजूद है, सवाल करिएगा जी। मैं बात कर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी जी बात कीजिएगा, बात कीजिएगा। अच्छा हाँ जी बेटा, मेरे वालिद साहब को ना फालिज है। जी जी जी। तो उनकी कोई केयर नहीं हो रही ना वहाँ पे, यहाँ तक वो पानी के लिए तरस जाते हैं। मेरी बहन, आपके वालिद साहब कहाँ पर हैं? वो बस मैं ये नहीं बताना चाह रही। मेरी बहन आप बताइएगा, आप कराची से बात कर रहे हो? नहीं मैं लाहौर से बात। अच्छा मिसेस रशीदा बताइएगा कि आपके अब्बू हैं किधर? क्योंकि मैंने उनकी बहू से बात की, मैंने कहा इनके मुंह में पानी डाल देना, कहती नहीं मैं ये काम नहीं करती, और नौकर भी नहीं रखने देते, वो निकाल देते हैं घर से जबकि उनकी अपनी पेंशन आ रही है। उनका वो बुरा हाल किया हुआ है हद से ज्यादा। तो आप अब्बू को साथ ही ला सकते अपने? मेरे हालात खुद भी कुछ ऐसे हैं।
कितनी मुश्किल की बात होती है, कितनी मुश्किल की बात है, अफसोस की बात है, चीजों ये सारी चीजें जुल्म में आ जाती है। या फिर तो आप काम करवाएं नहीं, जब इतनी पैसे आ जाएं सामने के मजदूर के, कहते ना कि उसका पसीना खुश होने से पहले उजरत दे दी जाए, और यहाँ पर उनके पैसे रोक दिए जाते हैं और इन चीजों का नुकसान क्या होता है हम ये नहीं सोचते। इसका नुकसान ये होता है कि एक तो अल्लाह की रहमत से दूरी, फिर इंसान के अपने दिल में एक गिल्ट शुरू हो जाता है, एक इस्तराब, बेचैनी की कैफियत, बेसकूनी, समझ नहीं आ रही होती कि क्या हो गया है, क्यों ऐसा हो रहा है। बाज़ औक़ात हम किसी खास इंसिडेंट को ब्लेम करते हैं, अच्छा इस वजह से ऐसा हो, और हम ये नहीं सोचते कि उसके पीछे एक पूरी चेन होती है जुल्म की जो हम दूसरों के साथ कर रहे होते हैं, फिर उसी से हम दवाएं खाने लगते हैं, डिप्रेशन होने लगता है, ये सारी चीजें इससे आती हैं। तो इसमें फिर क्या है, उसका हल क्या है कि अगर कोई जुल्म हो रहा है तो इंसान अल्लाह से तौबा करे, उस शख्स से माफी मांगे, और फिर उसके बाद जो है अपनी नई जिंदगी का आगाज कर दे, तो वो चीज वो गिल्ट से इंसान निकल आता है, निकल आएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर ये भी देखा जाए, जैसे बात की थी कि मजदूर अगर अपनी मजदूरी को पूरे तरीके से नहीं कर रहा पूरा, तो फिर बिल्कुल क्या? तो उसकी भी पकड़ और उसकी भी पूछ है, क्योंकि इसमें भी हमें इस्लाम ये सिखाता है कि अगर आप कहीं जैसे आप देखें ना, वो जिम्मेदारी अदा करने की बात में आ जाता है, जो हमने लास्ट एक प्रोग्राम अपना किया था कि उसमें आप अपने अर्ज पूरा करना है, आपको अपना वक्त पूरा करना है, और अगर आप ये नहीं करते ये सब, तो ये जुल्म में आ जाएगा, और इससे उनकी भी पकड़ होगी, उससे भी उनकी भी पूछ होगी। अच्छा, दोनों नौकरों पर बड़ा जुल्म, उसकी बात बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हमारे घर में, हमारे घरों में बहुत ज्यादा रिवाज है कि इवन लड़कियों को रखा जाता है, लड़कों को रखा जाता है काम करने के लिए, और उनसे एक्स्ट्रा काम बहुत ज्यादा कराया जाता है, उनके साथ बदतमीजी बहुत ज्यादा की जाती है, अगर जरा सा काम खराब हो जाए या ठीक ना हो तो उनसे बहुत ज्यादा बदतमीजी से या ऐसे उनके साथ कलाम इस्तेमाल किए जाते हैं जो अच्छे नहीं होते, जो फैमिलीज में नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। बिल्कुल, आप देखें कि नौकरों के हवाले से भी, तो एक तो ये है कि हमारे यहाँ एक ये कॉन्सेप्ट भी पाया जाता है कि बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए, वो चाइल्ड लेबर में आ जाता है। हालांकि आप देखें कि अगर बच्चे इसके बजाय, काम के बजाय गलियों में घूम रहे हैं, आवारा हो रहे हैं, तो इससे बेहतर ये कि वो काम के ऊपर लग जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें मिलता है कि आप बचपन से ही बकरियां चराया करते थे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, काम करना गलत बात नहीं, लेकिन जहां ये काम कर रहे हैं ये लोग, उसमें जो चीज तय हुई है, यानी उनको काम पे रखते वक्त, उसका ख्याल रखना चाहिए, उससे एक्स्ट्रा नहीं उनसे डिमांड करनी चाहिए, या बहुत ज्यादा जुल्म के तौर पर या अंडर उनको पे करते हुए। इसमें आप देखिए कि आप हजरत उमर के बारे में हमें मिलता है रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कि वो मदीना में घूमते रहते थे, और जहां कहीं उनको मिलता था कि किसी गुलाम को उसकी वुस्सत से और ताकत से ज्यादा वो काम दिया जा रहा है, तो वो उस काम को हल्का कर दिया करते थे। सही, तो ये ज्यादती में शुमार हो जाता है। और फिर हमारा दीन हमें क्या सिखाता है, जो पहनो उनको पहनाओ, जो खाओ उनको खिलाओ, ये सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। और फिर आप देखिए कि डांट टपट और किस कदर गुस्सा किया जाता है, ऐसी लैंग्वेज यूज की जाती है। हालांकि एक हदीस में हमें मिलता है कि आपने फरमाया कि तुम दिन में 70 मर्तबा अपने गुलाम को माफ किया करो, तो हम कहाँ वो एक खाना गलत बना लेते हैं तो हम किस तरह उनकी जान के पीछे पड़ जाते हैं, बदतमीजी करने लग जाते हैं, यहाँ तक कि कभी कभार हाथ भी उठा लेते हैं। यहीं पर ही हम लेंगे ब्रेक, ब्रेक आप मिलते कहीं ना जाएगा। खुश आमदीद सर, आप पाकिस्तान में, और अभी हमारे साथ कॉलर भी, उनसे भी बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मिसेज इजाज़ बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी जी, आपका सवाल। जी मैं मैम रूबी से एक क्वेश्चन करना चाह रही हूँ। जी जी, कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हुक्म दिया है कि आप उन रिश्तों को जोड़ें जिनको कि हम काट देते हैं, जो हमारे कराबतदार हैं, जिनके साथ हमारा करीबी रिश्ता है। ठीक है जी, तो अगर हमारा किसी के साथ इतना करीबी रिश्ता हो कि हम उस, और वो हमसे मतलब रिश्ता ना रखना चाहे, और ऐलान भी इसका ऐलान करे, और अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज से भी आपसे मतलब मुकम्मल जिस तरह किसी इंसान से नफरत का इजहार किया जा सकता है वो करे, उसके बावजूद आप उसको बुलाएं और फिर भी उसका रवैया किसी सूरत तब्दील होने में ना आए, और उसके बारे में फिर इंसान को मतलब आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, सही। और दूसरा मैं जो टॉपिक इससे पहले चल रहा था उसके बारे में सिर्फ एक छोटी सी बात करना चाहूँ। जी जी जी, कि अल्लाह ताला ने कहा है कि मोमिनों को हुक्म दिया है कि आप दूसरों के लिए वो पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। तो अगर हम ये छोटी सी बात को, हालांकि इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, अपना लें
कि जो हम अपने माँ बाप के लिए चाह रहे हैं वो हम दूसरों के लिए चाहें, जो हम अपने लिए अपने घर में मैं अपने बच्चों के अपने शोहर के साथ चाह रही हूँ, अपने भाई को भी वो फैसिलिटी प्रोवाइड करूँ, बिल्कुल सही, अपने बेटे को भी प्रोवाइड करूँ। बहुत अच्छी, ये हमारे यहाँ होता नहीं है। मैं दूसरों के लिए तो चाहूंगी कि उनके साथ मतलब दूसरों अगर कुछ मेरे साथ गलत करें तो उनके साथ मुकम्मल इंसाफ हो, बिल्कुल मेरे साथ, लेकिन अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो कोई बात नहीं, छोटी छोटी मामूली बातें घरों में होती रहती है, उसको नजरअंदाज कर दिया जाए, उसको बर्दाश्त किया जाए, तो ये अगर एक चीज हम अपने आप में कर लें तो इंशाल्लाह हमारा जो है वो मतलब हर शख्स अगर करे तो वो सोसाइटी पे इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा, बिल्कुल में बहुत तब्दीलियां आ जाएंगी। बहुत अच्छी आपने बात कही है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कि यही बात अभी मैं ब्रेक में भी आपसे कर रही थी कि हमारे घर में जो मुलाजिम होते हैं उनको हम वो चीज नहीं देते जो हम खुद खा रहे हैं या खुद अपने लिए पसंद कर रहे हैं, हालांकि वो हमारे साथ होते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स बन जाते हैं उसके बावजूद भी, बिल्कुल उसके बावजूद भी। और अगर आप देखें थोड़ा सा उनके साथ अच्छी तरह से बर्ताव करें तो वो बहुत ज्यादा गिविंग होते हैं, बहुत देने वाले बनते हैं। तो इस्लाम भी हमें सिखाता है कि जो हम खुद पहन रहे हैं वो हम उनको पहनाएं, जो हम खुद खा रहे हैं हम उनको खिलाएं, उनकी जरूरियात पूरी करें। और एक हदीस में आता है कि अगर ऐसे गुलाम और हों कि जो तुम्हारी तवक्कुआत के ऊपर नहीं उतरते तो उनको आजाद कर दो और अल्लाह की मखलूक को अजाब न दो। तो अगर हमें ऐसे सर्वेंट्स हैं कि जो हमें इरिटेट कर रहे हैं, हमारी बात नहीं मानते, हमें गुस्सा आ रहा है, हम उसको उनको डांट रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, तो फिर अल्लाह का क्या हुक्म है कि हम उनको फारिग कर दें, उनकी तनख्वाह दें, समझा दें, समझ आती है तो फिर तो आप उन्हें, बिल्कुल, क्योंकि हम अपना भी नामाए आमाल खराब कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात हम छोटी छोटी बातों पर तनख्वाह काट लेते हैं, ये भी बहुत बड़ा जुल्म इसमें आ जाता है। एक हदीस में आता है कि आपने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिसके अंदर तीन बातें होंगी अल्लाह ताला मौत की सख्ती उसके ऊपर आसान कर देगा और उसको जन्नत में दाखिल करेगा। और उसमें से एक बात क्या है कि कमजोर के साथ नरमी का सलूक करना, वालिदैन के साथ शफकत करना और लौंडी और गुलाम के साथ हुस्ने सलूक करना। तो ये एक लुब्बे लुबाब है कि उनके साथ अच्छा सलूक करना जरूरी है। अच्छा, जान पर जुल्म भी, जान पर जुल्म क्या है? जान के ऊपर जुल्म तो हम अपने आसपास बहुत कुछ देखते हैं इस हवाले से। आप देखिए कि जान जो है वो अल्लाह ने उसकी हुर्मत रखी है और उसको पामाल करना जुल्म में आ जाता है। एक हदीस में आता है कि एक मोमिन का कत्ल सारी इंसानियत के कत्ल से ज्यादा बढ़कर है, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने दुनिया को इंसान के लिए बनाया और अगर उसी को मार दिया जाता है तो बाकी चीजों की क्या वैल्यू, क्या वैल्यू। फिर आप देखें कि एक और हदीस में आता है कि अगर कोई शख्स किसी की तरफ लोहे से इशारा करता है तो फरिश्ते उसके पर लानत करते रहते हैं जब तक कि वो उससे बाज ना आ जाए। मसलन आप देखिए, कोई जैसे किसी ने हाथ में कोई छुरी पकड़ी हुई है या कोई गन है या कोई नेजा है, कोई ऐसी पॉइंटेड चीज, तो वो इस वजह से है कि कहीं ये ना हो कि गलती में वो गन से फायर हो जाए या शैतान कोई ऐसी बात डाल दे कि लड़ाई होते होते किसी का कत्ल हो जाए। तो इतनी ज्यादा हुरमत की बात की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ आप देखिए कि क्या खुशी का मौका, खुशी के मौके पर भी हम इन चीजों से बाज नहीं आते। कोई रैली निकल रही है, ओपन फायर कर दिया, कोई बेचारा बेगुनाह जो है वो मारा गया। इसी तरह शादी ब्याह का मौका है, खुशी मना रहे, फायरिंग हो रही है, अपने ही खानदान का कोई बच्चा या कोई बड़ा जो है वो मारा जाता है। फिर कोई त्योहार मनाते हैं, उसमें भी पतंगे उड़ रही हैं, किसी को वो लगी उसकी डोर और गला कट गया, वो मर गया। तो हम कैसे लोग हैं कि हम खुशी में भी लोगों की जान लेते हैं और गम और गुस्से में भी लोगों की जान लेते हैं? हालांकि हमारा दीन क्या सिखाता है कि एक इंसान का कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। और इसमें आप देखिए टारगेट किलिंग भी आ जाती है, किस तरह से लोगों को मारा जाता है। फिर जो खुदकुशी होती है वो भी इसी में आ जाती है कि इंसान मसाइल से घबरा के अपने आप को मार देता है। तो हालांकि ये क्या होता है कि जान अल्लाह की अमानत। फिर आप देखिए एक इसमें बड़ी चीज जो आ जाती है वो है एबॉर्शन, जिसके बारे में हमें अवेयरनेस नहीं होती, ये भी इसी में आ जाता है। हालांकि अल्लाह ताला फरमाते हैं ला तख्तुलू औलादकुम खशियता इमलाक, कि अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल मत करो। तो ये ऐसा मारना कि पता नहीं बड़े होंगे हम कहाँ से खिलाएंगे, इतना माल नहीं है, तो अल्लाह रिस्क है, राज़िक है, वो रिस्क देने वाला। और कयामत के दिन अल्लाह ताला इतना नाराज होगा उस शख्स से कि उस जान से पूछा जाएगा कि तुम्हें किस वजह से मारा गया। और फिर आप देखिए ये कोई मामूली चीज नहीं है, अगर कोई ऐसा हो जाता है तो एक तो बहुत ज्यादा तौबा इस्तग़फ़ार करने की जरूरत है, फिर इसकी दियत और कफारा दोनों ही हमें मिलते हैं जिसको अदा करना बहुत जरूरी है। तो जान की हुरमत जो है वो बहुत ज्यादा है, अगर सिर्फ इसका एहसास हो जाए तो इंसान जो है वाकई एक जान का एहतराम करना जो है वो सीख ले। अच्छा, ये बहुत सी ऐसी बातें जिस तरह आई हैं कि कई कई जगहों पर वही बात जाने अनजाने
इंसान सिचुएशन लेकर नहीं चल रहा होता, जिस तरह फैमिलीज में यूजली ये आता है या घर पे खानसामा है या एम्प्लॉयज हैं, सिचुएशन के हिसाब से नहीं चलता है इंसान, एकदम से गुस्से में आ जाता है और गुस्से की हालत में वो कुछ ऐसी बातें भी कर देता है या फिर अक्सर औकात ऐसा हो जाता है कि हाथ भी उठा लेता है। इसके ऊपर कैसे, एक तो कंट्रोल कैसे किया जाए अपने ऊपर और सिचुएशन को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि लोग सिचुएशन नहीं देख रहे होते हैं। जिस तरह अभी हमें कॉलर ने कॉल भी किया था कि अपने घर पर लड़की वो अपनी भाभी से हर किस्म की बात जो है वो उसे बुरी लग रही होती है कि भाभी ने यूं किया और यूं किया, लेकिन जब वो खुद किसी के घर जाती है तो वो वही चीजें वैसे ही कर रही होती है जो उसको बुरी लग रही होती है। अब ये सिचुएशन हैंडल करना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो उस वक्त भूल जाती है वो सारी चीजें। इसमें आप देखिए कि एक तो माओ की काउंसलिंग बड़ी जरूरी होती है, क्योंकि एक बेटी जो है वो अपनी माँ से हर चीज शेयर करती है जो भी कुछ हो रहा होता है। हालांकि इस्लाम हमें सिखाता है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही सिचुएशंस को हैंडल करें, बाकी घर वालों को इन्वॉल्व ना किया जाए, लेकिन ये एक नेचुरल चीज है जो होती है। तो ऐसे में माओ का समझदार होना बहुत जरूरी है कि वो उस वक्त बेटियों को ठंडा करें और उनको सिखाएं कि इस सिचुएशन में तुम्हें इसको कैसे हैंडल करना, क्योंकि ये सारी सिचुएशंस आएंगी। अगर थोड़ा सा इंसान सब्र से काम ले, थोड़ा सा खामोशी का इजहार करे, थोड़ा सा अल्लाह ताला से दुआ करे, तो दुआ एक ऐसी चीज है कि जो इंसान की तकदीर को भी बदल देती है। अच्छा, कई जगहों पे ये सिचुएशन भी आजकल बहुत ज्यादा सुनने में आती है कि मैके वाले बेटियों को ले जाते हैं और उसके बाद फिर वो उस रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं, या कई जगहों पर लड़के वाले भी मतलब शादी को खत्म करना है, तो ये भी जुल्म में शुमार है। बिल्कुल, आप देखिए एक घर का टूटना जो है ये कितना बड़ा जुल्म है कि उसके असरात बच्चों और पूरी जनरेशन खानदानों तक आते हैं। क्योंकि एक लड़की को अगर तलाक हो जाती है, वो अपने घर बैठती है, तो उसकी जो दूसरी बहनें हैं सिर्फ इस वजह से उनके रिश्ते नहीं आते कि बड़ी बहन को तलाक हुई हुई, या अगर एक माँ है उसको तलाक हुई हुई है, तो आगे से उसकी जो अगर बच्ची है तो उसके रिश्ते में ये चीज हायल हो सकती है। और फिर आप देखिए कि जिस महरूमी से फिर वो बच्चे बड़े होते हैं या दोनों ही फैमिलीज को जो सफर करना पड़ता है, क्योंकि उस वक्त जज्बाती होकर इंसान समझता है कि इस मसले का हल ये है कि घर टूट जाए, हालांकि वो एक बहुत बड़े बड़े मसाइल जो हैं वो उनसे पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अक्सर ख्वातीन जब मुझसे पूछती हैं कि ऐसे मसाइल में आप क्या करें, कोई हल नहीं है, तो हम डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि आपका क्या ख्याल है कि डिवोर्स से आपके मसाइल हल हो जाएंगे? ये तो एक ना चलने वाला सिलसिला है जो और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो इस चीज को बेसिकली, और सबसे ज्यादा बेहतरी की वहीं पर ही जरूरत है कि इस जुल्म को, अगर ये इन सब बातों को जुल्म समझा जाए, तो आज ये देखें ये जुल्म करने से हम सब बाज आ जाएंगे और अपने आप को बेहतरी की तरफ लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रूबी बाजी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में तशरीफ आए और बहुत सी आपने अहम बातें बताई हमारे नाज़रीन को। और इंशाल्लाह ताला हम यही कहते हैं कि आप लोग बहुत सी अच्छी बातें सुनकर अपने ऊपर अप्लाई करेंगे और अपने लाइफ को और अपने इर्द गिर्द अपने फैमिली की लाइफ को भी आप बेहतरी की तरफ लेकर आएंगे। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही, नाज़िया हमारे को टीम को इजाजत दीजिए। सलाम पाकिस्तान। Oh, 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 oh